बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। पता था, मैंने तो सोचा था लड़का होगा और हमारे वंश का नाम रोशन करेगा। क्या बताएं, किस्मत ही खराब है जो बेटी पैदा हो गई। अरे लल्लू भाई, घर पर हैं क्या? अरे कौन है भाई? अरे आपके बचपन का दोस्त भारती। अरे आओ भारती, आओ आओ, बैठो भारती। धन्यवाद लल्लू भाई। और कैसे आना हुआ? अरे लल्लू भाई, आप मेरे पुराने बचपन के दोस्त हैं, सोचा आपको मिठाई खिला था। अरे भाई, किस बात की मिठाई खिलाने चले आए? मिठाई इस बात की खिलाने आया हूँ आपको कि आप सुनोगे तो खुशी से पागल हो जाओगे, क्योंकि मेरे यहाँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है। क्या बात कर रहे हैं भाई, लगता है कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया है क्या? गड़ा हुआ खजाना क्या लल्लू भाई, अब आपको क्या बताएं? जब कहीं बाप दादा ने कहीं खजाना ही नहीं गड़ा रखा तो कहाँ मिलेगा? तो जरूर तुम्हें कोई लॉटरी खुली होगी। नहीं लल्लू भाई, लॉटरी और जुए का तो आदमी मैं बचपन से नहीं रहा। तो जरूर तुम्हें कोई एफडी मिली होगी। क्या बात करते हो, मेरे माँ बाप ने कभी अकाउंट नहीं खुलाया जो हमारी एफडी रहेगी जमा। अरे ऐसी कौन सी बात है भारती जो तुम मिठाई खिलाने चले आए? अरे लल्लू भाई, मुझे बेटी पैदा हुई है। अरे क्या बात कर रहे हो भारती, मैंने तो कभी नहीं सुना कि पहले किसी मर्द ने बच्चे को जन्म दिया हो। अरे मुझे नहीं लल्लू भाई, आप तो भाभी यानी कि मेरी पत्नी को बेटी पैदा हुई है। हाँ, अब आपने बिल्कुल सही कहा, यह लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी है। लेकिन एक मेरे घर में देखो, हमेशा बवाल चलता रहता है, कोहराम मचा हुआ है, मैं बहुत परेशान। अरे आओ लखन भाई, लखन आओ, बड़े अच्छे मौके से आते दिखाई दिए हो। बैठो बैठो बैठो, ये इनसे मिलिए, ये हमारे बचपन के मित्र हैं भारती। अरे जब मौके पे आ ही गए हो तो मैंने कहा तुमको मुंह मीठा करा दूं। अरे क्या बात है, किस बात पर मिठाई बन रही है? पहले खाओ तो सही, भाई के घर बेटी पैदा हुई है। बेटी, बेटी पैदा हुई है, क्या समझा रहे हो? बेटियां बोझ होती हैं, बोझ। जिस दिन से पैदा होती है और जब तक उनका विवाह ना हो जाए तब तक बोझ बनी रहती हैं, और इनको तो बेटे की कल्पना करना चाहिए, समझे? लखन भाई ऐसी कोई बात नहीं है, लड़कियां लड़कों से किसी तरह से भी कम नहीं है। क्या? सुनीता विलियम्स को ले लो, चाहे कल्पना चावला को ले लो, बताओ किसी हिंदुस्तानी लड़के ने अगर कोई कारनामा करके दिखाया हो? लड़कों से वंश चलता है, वंश। अरे लल्लू भाई, जब तक बेटियां बड़ी ना हो जाए और पढ़ लिख के काबिल ना हो जाए तब तक बोझ बनी रहती है, जब तक उनकी शादी ना हो जाए। बेटियां जिस दिन से पैदा होती हैं, जब तक उनका ब्याह ना हो जाए तब तक उन पर खर्च ही खर्च करना है, समझे? वो बेटे से वंश चलता है, वंश। तुम्हें तो बेटे की कल्पना करना चाहिए। लखन भाई तुमने सही कहा कि लड़कियां कमा कर नहीं देती, लेकिन या तो भी ना भूलो, जिस बहू को तुम लाओगे वह भी किसी के घर की बेटी होगी। और क्या, बेटा घर का चिराग होता है, समझे? लेकिन बेटी तो दूसरे के घर का भी वंश बढ़ाती है, जरा ये भी तो सोचो। लल्लू भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लड़कियां एक घर का वंश नहीं दो घर का वंश चलाती हैं, दो दो घर का। भाई समय बदल गया है, बेटियां अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बल्कि उनके बुढ़ापे का सहारा होती है, सहारा। अरे लखन भाई ऐसी ही बात है, तभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ऐसी कोई बात नहीं है,
इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमें तुम लोग बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे लल्लू, अगर बेटियों को ज्यादा सच चढ़ा लो ना तो मान मर्यादा की सीमा नांग सकती हैं, समझे? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपका दिमाग सही है लल्लू भाई। हमारा दिमाग सही है, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। मेरी बेटी पैदा हुई है, आप लोगों को मेरे पे खुशी ही नहीं है कोई? तो इसके माने बेटा वंश नहीं चला था? बात करो तुम लोग, मैं तो चला। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लड्डू बांटो। आपके इतना अच्छा दिल, इतना अच्छा आपका विचार है, और एक आपका मित्र लखन, अब क्या समझाया जाए उनको? उनकी दिमागी खराब है, के खिलाफ इसका जाता उनके मन में कुछ था। असल में भारती भाई, उनके पहले से ही चार बेटियां हैं, उसके बाद भी वो ऐसी बात करते हैं, इसलिए वह बबला है। आपके विचार सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। बेटी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होती, बल्कि स्वर्ग की सीढ़ी होती है। बेटियाँ नर्क की आग से अपने जन्मदाता को बचाती हैं। यह भी कुल का दीपक है, अगर हमारा समाज इसमें भेदभाव ना करे। अगर समाज में बेटियों के साथ ऐसा भेदभाव होता रहेगा तो वह दिन दूर नहीं जब बेटियों के लिए इस देश में अकाल पड़ जाएगा और दुनिया स्वर्ग से नर्क में बदल जाएगी और पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। आवश्यकता है समाज और अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करने की। आवश्यकता है सामाजिक भेदभाव को मिटाने की और अपने सोच में बदलाव लाने की, क्योंकि कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियां।